नेक्स्ट पार्ट है एससीडीपी 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टूडेंट हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट इन द क्लास। गिफ्टेड स्टूडेंट जिसनों तुसी सिद्धी लैंग्वेज विच होशियार जां बहुत ज़्यादा होशियार स्टूडेंट कह दिंदे हां। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रभावशाली विद्यार्थी, प्रभावशाली गिफ्टेड, पहले प्रभावशाली विद्यार्थी जो थे 140 से जिनका ज्यादा आईक्यू होता था उनको बोलते थे। ओके, इसके बाद डेफिनेशन में क्रिएटिव लर्निंग भी आ गए, जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ओके, फिर आ गया कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो दिखा रहे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, ऐसे जो लर्नर आप ले सकते हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा रहे हैं, ये गिफ्टेड हैं सारे। ऐसे बच्चों का कक्षा और अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं नॉर्मल, जो मैं एक ऐसे बताता हूँ आपको यहाँ पर। मान लीजिए ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, साइंस इकोनॉमिक्स इन स्टैट्स वालों को ये पता होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए किसी चीज़ में परफॉर्मेंस, क्रिकेट में ही ले लिए मैं, यहाँ फिर भी आईक्यू ही ले रहा हूँ ना, तो ये हो गया सेंट्रल। यहाँ पर क्या होता है 100 आईक्यू, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, यहाँ लिखा जा सकता है 100 आईक्यू। ओके, तो मिड में है ये, सॉरी एक लाइन ही समझना इसको। तो अब इसकी डिवीजन की जाए, ये नेगेटिव साइड है। ओके, नेगेटिव साइड मीन इधर को आईक्यू कम हो रहा है, इधर को आईक्यू प्लस हो रहा है, ये पॉजिटिव साइड है। और जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं और ये नंबर ऑफ केसेस कम होते जा रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ पर आप 70 आ गया आपका और यहाँ पर 130 आ गया, तो 140 यहाँ पर आया। यहाँ से जो आगे वाले बच्चे हैं है ना, उनको गिफ्टेड कहा जाएगा, गिफ्टेड। ओके, तो ये जो बच्चे हैं कलर चेंज करके, ये वाले बच्चे हैं, और ये वाले जो बच्चे हैं यहाँ वाले, मान लीजिए यहाँ से 70, इनको मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज MR बच्चे पहले कहा जाता था, चैलेंज अब नाम बदल रहा है लेकिन डेफिनेशन वही रहती है। तो ये बच्चे, इनकी ये स्पेशल चिल्ड्रन हो गए, स्पेशल लर्नर हो गए, स्पेशल नीड्स हैं इनकी, इनकी लर्निंग अफेक्ट होगी, दैट इज वाई। नॉर्मल बच्चे ये हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, आप इनके लिए टीचर बीएड में तैयार होते हो, तो जब ये बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में ये यहाँ पर शामिल हो जाएंगे यहाँ, तो टीचर के लिए चैलेंज है, उसने इस बच्चे को कैसे लेके चलना है। दूसरी बात, अगर 140 वाला या इससे एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ जाता है वो भी चैलेंज है, क्योंकि लर्निंग इनकी भी इफेक्ट होगी और इनको इनके साथ जो है सेम सिलेबस सेम स्ट्रेटजी से टीच नहीं किया जा सकता जैसे इनको किया जाता है नॉर्मल को। इनके लिए थोड़ी स्पेशल डिफरेंट स्ट्रेटजी, जैसे तारे जमीन पर आमिर खान उनको ईशान को पढ़ाते हैं, और इनके लिए थोड़ी डिफरेंट होगी, एक्स्ट्रा करिकुलम एनरिचमेंट और एक्सेलरेशन, इसकी दो एग्जांपल्स है। डिफिकल्टी लेवल, कंटेंट, होम असाइनमेंट ज़्यादा देते हो आप, प्रोजेक्ट बड़े देते हो, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट देते हो, एक क्लास ही स्किप कर देते हो, नेक्स्ट क्लास का सिलेबस इनको टीच कर देते हो, ऐसी बातें हैं। तो यहां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो बच्चे हैं वो इन बच्चों से नॉर्मल बच्चों से कैसे भिन्न है, इनसे नहीं सिर्फ नॉर्मल से, इसलिए बताना था। इसमें काफी क्वेश्चन, और एडवांस इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी की सेकंड है ना, तो अंडरस्टैंडिंग नेचुरली है कि इनकी उनकी ज्यादा होगी, उसके से ज्यादा लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है तो लर्निंग भी ज्यादा होगी। गिफ्टेड की डेफिनेशन ही ये कह रही है कि किसी है ना, तो ये वाले पक्का टिक हो गए। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर, देखिए जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो डिपेंड करेंगे कि दूसरे उन पर डिपेंड करेंगे, यहाँ डिपेंडेंस वर्ड आया और इससे हमने रिजेक्ट कर दिया कि ये गिफ्टेड का करैक्टरिस्टिक नहीं है। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, या मेंटल डेवलपमेंट जो है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये शब्द यूज किए जा रहे हैं, ये यूज हो सकते हैं, मेंटल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल है ना,
तो ये सेम यहाँ यूज हो रहे हैं। मेंटल वैसे ज्यादा कॉमन है, कॉग्निटिव इनका मतलब किनसे बनता है, थिंकिंग से, नॉलेज से, रीजनिंग से, डिसीजन मेकिंग से, है ना। तो फिजिकल आकार बड़ा हो रहा है या फिजिकल, वैसे यहाँ पर इन्होंने मीनिंग पता नहीं क्या लिया है, फिजिकल डेवलपमेंट का एक मतलब मोटर, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट होना है जो विराट कोहली या इनमें ज्यादा होगी, पर यहाँ ये फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल पर जोर दे रहे हैं, सीधा मेंटल के विरोध, मतलब मेंटल उससे अलग है। तो गिफ्टेड की डेफिनेशन जो है मेंटल से, थिंकिंग से, इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, वो उस फील्ड में ज्यादा आगे होते हैं, है ना। फिजिकल में वो कई बार देखने में दुबले पतले थे और ऐसे लगेंगे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, तो एथलेटिक पर्सनालिटी उनकी हो सकता है नहीं हो। तो हम ये दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, ए और बी। ए और बी किस में है, सेकंड में। सेकंड को राइट आंसर लेके हम आगे बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता, है ना, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे को सुनने की अक्षमता, श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। वेरी नॉनसेंस, ऐसा क्यों करेंगे हम, है ना। तो साइंटिफिक होगा जो, मतलब ऐसे नुकसान बढ़ सकता है, वैसे भी किसी के पास इतनी तेज आवाज नहीं करनी चाहिए, कर नहीं सकते। अच्छा, तो वो उस तो आवाज की कोई ऐसे नहीं बताया कि इतने डेसिबल पर, इसने डेसिबल, इतने डेसिबल, सिस्टमैटिकली आप इंक्रीज कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दैट इज वाई रिजेक्ट हो गया। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या का कारण होती, हमेशा नहीं, ये वर्ड मैंने जो टैग वर्ड है उसमें जब भी हमेशा वर्ड आता है तो शक करना है, है ना, हमेशा नहीं है, और कोई कारण भी हो सकते हैं। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए संकेतक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। साइन लैंग्वेज के अलावा, यहाँ पर भी देखिए, साइन लैंग्वेज के अलावा, ये बेस्ट ऑप्शन इन्होंने डाली है, जिसने भी डाली है, साइन लैंग्वेज के अलावा और कई इनकी जो है वेज हैं कम्युनिकेट करने के, दैट इज वाई इसको यहाँ नहीं माना जा सकता, ये भी रिजेक्ट है। हियरिंग इम्पेयर्ड कैन अफेक्ट ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इफेक्टिवली, ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि जब आप सुनते नहीं हो, देखो भाषा का विकास कैसे होता है, सबसे पहले हम सुनते हैं, जो सुनते हैं अंदर रिटेन रहता है, रिटेन रहता है, विचार बनते हैं, फिर यहाँ से बोलते हैं, है ना, फिर दूसरे सुनता है। सुनना बोलना, पहले सुनना है, अगर सुनना ही नहीं है तो कम्युनिकेशन की नींव ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। दिस इज वेरी वेरी कॉमन आंसर और ये राइट आंसर है यहाँ पर, फोर्थ डी। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, अब कंस्ट्रक्टिविस्ट जो नए अब स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा, प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। सारा टेट का एग्जाम जो है फंडामेंटल, उसके सारे राइट आंसर, मैं सारे कह रहा हूँ, बड़ी एक्सेसिव स्टेटमेंट है। इंडिया का इतना पेपर सेटर का हाल है कि कहीं बिहेवियरिज्म, या चलो ये बातें अभी नहीं आपको समझ आएंगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट क्या है, क्या कहते हैं प्याजे है, वो कहते हैं कि लर्नर एक्टिव है। यहाँ पर जाता हूँ, एक दो बातें यहाँ पर समझा देता हूँ कि एक बच्चा है यहाँ पर, एक बच्चा है, ये रहा बच्चा, और ये उसको आपने कुछ भी दे दिया, एनवायरनमेंट का कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया, छोटा बच्चा आप देखिए खेलता है, वो ऑब्जेक्ट के साथ खुद पंगा ले रहा है, उसको कभी क्या है मुंह में डालेगा, कभी उसको ऐसे चाटेगा, कभी थ्रो करेगा, है ना। तो ये उस क्या कर रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट को प्याजे कहता है, ये इंट्रैक्शन कर रहा है ना, एक्टिव हो गया ये, है ना। और यहाँ पर कोई टीचर नहीं है उसकी हेल्प कर रहा, टीचर कोई नहीं है हेल्प कर रहा, वो खुद ही कर रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में उसका टेस्ट पता करता है, वो ऑब्जेक्ट कैसे जंप करता है ये पता लगेगा, वो ऑब्जेक्ट कैसे टूट जाता है ऐसे उसे पता लगेगा, ऑब्जेक्ट कैसी आवाज़ करता है ये पता चलेगा। तो ये उसके माइंड में ये बनता जा रहा है। अब किसी ने कुछ नहीं किया, ना मम्मी पापा टीचर ने कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट आया था उसके साथ खेला है, इंट्रैक्शन इंट्रैक्ट किया है, इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। ये ऑब्जेक्ट क्या था, उसका लर्निंग मटेरियल था, ये लर्नर हो गया जो एक्टिव है और खुद वो इंटरप्ले कर रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, इंटरेक्शन को एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किया और खुद उसके बारे में नॉलेज कंस्ट्रक्ट की, के को खुद बनाया, है ना। दूसरी तरफ ये क्या है, व्हाइट वाला ये बनाने लगे हैं कि जी
ये मम्मी है ना, बेटा बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी साउंड ऐसी होती है, इसे ऐसे गिराओगे टूट जाएगा, ऐसे करोगे जंप करेगा, ये क्या है? इस तरफ से नॉलेज इस तरफ जा रही है। और आपको क्या लगता है कि बेटा जी समझ जाएंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ बिठाए हुए हैं, बेटा जी समझ जाएंगे? नहीं, जब वो सेल्फ से इंटरेक्ट करके खुद नॉलेज बनाता है, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, तो यहां पर क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट था, यहां मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, इंटरेस्ट था। वो हो सकता है एक लर्नर का इस ऑब्जेक्ट में है, इस लर्नर का किसी और ऑब्जेक्ट में हो, है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट में था इंटरेस्ट, इट मींस उसका खुद का जी चाह रहा था। और ये मम्मी जब टीच कर रही है तो यार मैं पढ़ना नहीं चाहता मम्मा, इसके बारे में टीचर साहब मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं इंटरेस्टेड, इट मींस प्रेशर है बाहर से। यहां एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, बाहर है, रीजन बाहर है, सोर्स ऑफ जो एक्टिविटी क्यों करनी है वो सोर्स बाहर है, कारण बाहर है। तो यहाँ सोर्स अंदर है, मैं चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, मेरा अच्छा लगता है, तो यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो हमेशा याद रखना कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही होगी, जबकि बिहेवियरिज्म में, कॉग्निटिविज्म में एक्सट्रिंसिक बाहरी मोटिवेशन होगी। यहाँ लर्नर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है ना, यहाँ है लर्नर नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म का फीचर नहीं है, पहले ही पकड़ लिया मैंने, एकदम से कांटा लगा दिया। नॉलेज इज प्लूरिलिस्टिक, प्लूरिलिस्टिक। अब उस बच्चे के लिए उसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज, ये बाहर जाए, जैसे एक बच्चा इस ऑब्जेक्ट से खेल रहा है ना, ऑब्जेक्ट नंबर वन, ये बच्चा खेल रहा है, दूसरा बच्चा भी इससे खेल रहा है, ये इसके बारे में और कोई नॉलेज बनाएगा, ये इसके बारे में और कोई नॉलेज बनाएगा। हो सकता है इसने फेंका टूट गया, ये कहता है यार इससे टूट जाता है, वो कहता है इससे फेंका टूटा नहीं, वो कहता नहीं टूटेगा। तो प्लूरलिस्टिक है, और ये प्लूरलिस्टिक के साथ में सब्जेक्टिव भी आ गई, ये ऑप्शन भी दी हुई है। मेरे लिए नॉलेज कोई हो रहा है, आपके लिए नॉलेज कोई हो रहा है, मेरे चाय पीने से गैस बनती है, आपका पेट ठीक हो जाता है, हो सकता है चाय, इट मीन्स डिफरेंस हो सकता है ना। सभी को पैरासिटामोल भी सूट नहीं करती। सो बचा क्या? लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन दियर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये प्याजे की मैंने बात की थी, ऐड कर दूं तो इसी में जब वाइगोत्स्की ऐड हो जाता है हरे वाला, तो वो जो ये मोर नॉलेजेबल अदर, जहाँ जिसको ज्यादा नॉलेज है इस ऑब्जेक्ट के बारे में, वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड भी करता है, दे दिया भैया, और उसके बारे में ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, आस्क क्वेश्चन, है ना, मोटिवेट कर सकता है। यहाँ पर सोचो ऐसे करके देखिए, न्यू वे करके देखो, ऐसे करके देखो ऑब्जेक्ट को क्या होता है, जैसे लेबोरेटरी में टीचर कह सकता है। तो यहाँ पर वो नॉलेज को सोशल कह देते हैं, ये वैगोत्स्की है, सोशो कल्चरल थ्योरी। तो ये वहां से राइट आंसर ढूंढा गया है, दिस इज, है ना। दूसरा ये कहते हैं कि सोशल सिचुएशन में जाके, रियल सिचुएशन में जाके नॉलेज बच्चे की बननी चाहिए, ना कि क्लासरूम में, ना कि बुक्स में, ना कि टीचर के द्वारा। तो राइट आंसर हो गया ये वाला, थ्री। इसमें हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये पिछले में। हाउ कैन ए टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सिंपल है कि एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है अमन, और एक टीचर उसकी मदद कैसे करेगा कि यार वो उस प्रॉब्लम का जो समाधान है उसको मिल जाए। तो ये देखिए कितनी पुअर, डिस्करेज हिम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड टेकिंग रिस्क। डिस्करेज तो करना ही नहीं बच्चे को, एक्सपेरिमेंट करने से करोगे, जो पूरी साइंस उस पर बेस्ड है, साइंटिफिक थिंकिंग उस पर बेस्ड है, सारा कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड है ना। तो ये बड़ा सा कांटा, प्रोवाइड हिम विद आंसर, ये क्या हो गई कि ऐसे मैंने अभी बताया मम्मी ऐसे है बता रही है, बेटा ऑब्जेक्ट ये है, ऐसे होता है, ऐसे टूट जाता है, ये ऐसे होता है, जैसे हम सारे यूट्यूब वाले क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, फेंक रहे फेंक रहे फेंक रहे, उठा लो उठा लो, आप भी ऐसे हो, बने बनाए दे दो दे दो दे दो, ये वर्स्ट वे ऑफ नॉलेज टीचिंग का होता है, ठीक है। और वर्स्ट वे ऑफ असेसिंग क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे, आओ क्या तीन चार में से एक का जवाब देना, क्या वो सुपरमैन हो जाएगा? अरे पता तब चलता है, लाइफ के आंसर दो, लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, लाइफ की प्रॉब्लम ऐसे डिफाइंड नहीं है,
आप सड़क पे जाते हो तो चार क्वेश्चन नहीं ऐसे पड़े हुए कि ये है, अब क्या करोगे। अगला आता है हिट करके चला जाता है, कोई आता है गाली निकाल जाता है, कोई आपको डरा के चला जाता है, हाँ कोई फीमेल चला रही है तो कैसे शरारत करते हैं कई लोग, हाँ तो वहां कैसे, वहां ऑप्शन थोड़ी होगी भी राइट आंसर ये है बाकी गलत है, नहीं जिंदगी जिंदगी का इससे संबंध क्या है, सारा इंडिया असेस कर रहा है, पर यही मींस है हम असेस कर ही नहीं सकते कंस्ट्रक्शन में, बड़ी एनर्जी नॉलेज वो चाहिए। चलो वापस आते हैं, तो आप रेडीमेड नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, नहीं तो फिर बच्चे ने क्या मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वहां भी प्रॉब्लम थी, ऑब्जेक्ट उसकी प्रॉब्लम थी तो सॉल्व बच्चा खुद करे, आप तो सिर्फ मोटिवेट करोगे, क्वेश्चन पूरोगे, प्रॉम्प्ट करोगे, है ना, टेल हिम टू गिव अप, छोड़ दो कहते मैंने अंडा, इसको क्यों गोल गोल किया, ये भी नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव है, एजुकेशन ने तो पॉजिटिव करना है, ऐसे पॉजिटिव करना है ना, ये तो नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, एनकरेज आ गया ना पॉजिटिव, ब्रेनस्टॉर्मिंग दूसरा, हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज, जनरेट आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पर। अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि आपके पास, ये आपके पास एक पर्सन है और पर्सन के पास वाइट कर लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, तो ये आगे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोई भी है एक्स वाई जेड, है ना, कि ये जो हमारे बाहर का स्कूल के बाहर का मैदान है, यहाँ पर ये जो है पानी खड़ा रहता है, इसे इससे कम्युनिटी को इसको प्रॉब्लम ना आए, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, अब रियलिस्टिक प्रॉब्लम आपको बताई है, आपने इर्द गिर्द देखो लिस्ट बनाओ, आपकी रियल प्रॉब्लम 20 बन जाएंगी, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या खाक प्रॉब्लम आएंगी, और ये हो गया कि प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम के जो है आपके पास पहले ऑप्शन हो ना, कितने सोल्यूशन हैं, आप मान लीजिए आपके पास, आपके आप कहते हो यार सोल्यूशन क्या है, कहता मेरे को सूझ नहीं रहा, एक बंदे के पास 20 सोल्यूशन है, अब देखो वो 20 पहले आने तो दो आइडिया, सोल्यूशन क्या है, आइडियाज आइडियाज, तो वो आइडियाज किसी बंदे के ब्रेन से बाहर आए फ्लड की तरह, उसे ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहते हैं, ब्रेन में स्ट्रॉमिंग, ब्रेन में क्या है आइडियाज, तो आइडियाज को आने के लिए आप बच्चे को इनकरेज करते हो, बेटा इस प्रॉब्लम को समझ जाओ और जो भी सोल्यूशन तेरे दिमाग में आता है आने दो आने दो आने दो आने दो लगातार आने दो, तो टीचर का काम क्या है कि उस आइडिया को एग्जामिन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना का मतलब है आपने ये नहीं कहना कि गुड आइडिया या बैड आइडिया, अच्छा मेन क्यों है कि अगर आपने बैड कहीं कह दिया तो जो अच्छे आइडिया, देखना आइडिया नंबर 1 2 3 4 5 अगर मैं कहूंगा ये वाला बैड है तो अगले वाले जो अच्छे आने थे ये इतने ब्रेन स्ट्रॉमिंग, इतने नंबर ऑफ आइडियाज आते हैं, तो ये वाले यहाँ ब्लॉक हो जाना, ये आप नहीं निकालोगे क्योंकि आपको रिजेक्शन हो गई है, तो रिजेक्शन नहीं लगानी, बैड नहीं कहना, किसी को बोलना ही नहीं है जब आइडियाज दे रहे हैं, पहले आइडियाज कलेक्ट कर लिए, मान लिए थक गए यहाँ पर 20-21 आइडियाज हो गए, अब 20-21 आइडियाज को देखना है बेस्ट आइडिया कौन सा है, सो ब्रेन स्ट्रॉमिंग इज ए टेक्निक जिससे आप आइडियाज, नए आइडियाज जनरेट करते हो और वही आइडियाज बेस्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज वाई दिस इज अ गुड टेक्निक, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, यहाँ कितना प्यारा शब्द है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, क्रैमिंग बेस्ड नहीं, बुक बेस्ड नहीं, टीचर बेस्ड नहीं, है ना, बौद्ध आधारित शिक्षण का अंतर्हित सिद्धांत यह विश्वास है कि लर्नर कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज वेन प्रोवाइड विद ए फैसिलिटेटिव एनवायरमेंट, क्या बात है, अभी बात करके आए हैं, ऑब्जेक्ट है, टीचर ने पेरेंट ने फ्रीडम दी है, वो ऑब्जेक्ट को तोड़ सकता है, मुंह में डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये नहीं है कि बिजली का करंट है वो कुछ भी कर सकता है, वहां ऐसा रिस्क नहीं देने को कंस्ट्रक्टिविज्म कहता, तो ये हो गया कि वहां है, हाँ लर्नर कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यही इसी ने उत्तर दे दिया था, और वेन प्रोवाइडेड फैसिलिटेटिव एनवायरमेंट, ये पॉजिटिव हो गए, है ना, तो फ्रीडम भी दी, तो ये बेस्ट आंसर बन रहा है, एक बड़ा टिक लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने चाहिए कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सके, निर्माण कर सकते हैं। अच्छा लर्नर नो लिटल एंड टीचिंग इन्वॉल्व ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या था, ये मम्मी है, ऑब्जेक्ट बेटा ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे, दिस इज ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर बने हुए हैं, कभी नहीं, ये वीक पॉइंट होगा। अच्छा लर्नर इज ए पैसिव नहीं है, मैंने अभी कहा एक्टिव है ना, तो ये भी यहां से भी गए,
और लर्नर्स एबिलिटी एंड नीड आर डाइवर्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड, देखिए ये नेगेटिव बना दिया, कैनॉट बी क्रिएटेड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन ये इंडिविजुअल वेरिएशन का के अगेंस्ट वाला प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड वर्ड ही टैग वर्ड में भी रखा है कि ऐसा आए ये रॉन्ग ऑप्शन होती है, देखिए यहाँ रॉन्ग ऑप्शन मिल गई है, दिस इज बेस्ट ऑप्शन दैट इज़ वाई हमने चूज़ कर लिया है, इतना काफ़ी है, नेक्स्ट में करते हैं बाकी, थैंक यू।